हमने इतना कुछ बताया इनको और इन्होंने सिर्फ इतना सुना कि शौर्य बना भाई साहब की संतान नहीं है। हमसे बड़ी भूल हो गई, उत्तेजना में आकर शौर्य बना का सच नहीं बताना चाहिए था। विश्वास नहीं होता भावसा इस हद तक जाएगी। शौर्य क्या तो विश, तुम्हें पूरा यकीन है शौर्य ने सच में भाई जी को विश वाला शरबत तो नहीं पिला दिया? नहीं तारा, मैं पूरे समय शौर्य के साथ ही था। तो फिर उत्सव में वो विश वाले शरबत का पात्र लाया कौन? चलो भाई जी, तो अपने कक्ष में नहीं है, कहाँ है भाई जी? शौर्य, शौर्य, वो आपकी दादी सा ने जो शरबत वाला पात्र याद है आपको दिया था, आपको याद है वो कौन लेकर गया था? नहीं मासा, हमें नहीं पता। क्या ढूंढ रहे हैं शौर्य बना, क्या ढूंढ रहे हैं? हम बाबा सा के प्यादों की पेटी बना रहे हैं, इसमें अपने बाबा सा से जुड़े हर चीज रख रहे हैं हम। ये देखिए मासा, कठपुतली, उनके जन्म दिन पर हमने बनाई थी। और ये चित्र जो उन्होंने हमें दी थी। और ये हमारा वस्त्र जो बाबा साहब हमारे लिए लाए थे। और देखिए ये खिलौने, ये भी बाबा साहब ने दिए हमें। ये सारी यादें हमारे बाबा साहब से जुड़ी हुई हैं। अरे ये कटार कहाँ से मिली आपको? मारे बाबा साहब की तलवार, इससे हम उसका गला काट देंगे जिसने हमारे बाबा साहब की हत्या की। सूर्य प्रताप एक सांप था और देवगढ़ का ये युवराज उसी सांप का सपोला है, तो वो जीवित रहे या मर जाए, इससे आपको इतना फर्क क्यों पड़ता? आपका भी लहू है इसलिए अभी तक जीवित है। केवल हमारे शत्रु का लहू होता कब कब बह चुका होता। डर गए होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि हमारे मामा हमारे साथ हैं। जाने अनजाने क्या क्या बुरा सोच लिया, बुरा बोल दिया, हम अपनी धुन में पता नहीं क्या अनर्थ करने वाले थे, पाप करने वाले थे हम। शौर्य, दो जादूगर को ये कटार दो। शौर्य देखो, आप बुरे इंसान नहीं है, आप अच्छे इंसान है, पर मैंने आपसे मना किया था ना ऐसी बातें सोचने और बोलने के लिए। ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं जादूगर, हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। शौर्य, बंद कीजिए हमें टोकना बार बार, हमारे बाबा साहब के हत्यारे की जान लेकर रहेंगे हम। वो हमारे बाबा साहब थे और आप केवल जादूगर हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है हमें रोकने का। मैं आपसे कट्टी कट्टी कट्टी। तारा, प्यार से। जी, जी भाई जी, परंतु हमने इतनी देर से ढूंढ ली, एक क्षण किसी और कक्ष में रखी है, हम भूल ही गए। चलिए शौरबना, आपको आपकी मुर्जी दिलवाते हैं। भाई जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। भाई जी रुकिए तो सही। भाई जी, मुझे आपसे बात करनी है जरूरी। आप
प्लीज मेरी बात सुनिए, जिन अंग्रेजों को आप अपना दोस्त समझ रहे हैं ना, वो दोस्त नहीं है आपके, वो दुश्मन है भाई जी। दुश्मन में फिर भी लड़ने की हिम्मत होती है चिकित्सक ध्रुव, सम्मान का पात्र होता है दुश्मन। भाई जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहा है? उफ, आपकी हमेशा की वो समझते हुए भी ना समझने की आदत। रीढ़ की हड्डी पता है आपको? रीढ़ की हड्डी ना केवल मनुष्य बल्कि उसके चरित्र को भी खड़ा रखती है। है आप में? बताइए। रीढ़ की हड्डी है आप में? आपसे अच्छा तो वो नाग है जो आत्मरक्षा के लिए डसने का साहस तो रखता है, किंतु आप तो धरती पर रेंगने वाले उस केंचुए से भी गए गुजरे निकले जो खतरा देखते ही धरती में मुंह छिपाने के अलावा और कुछ नहीं करता। हमारे प्रेम, हमारे ध्रुव का और अपमान नहीं सहेंगे आप। अपने आप शब्दों के लिए अभी इसी क्षण इस देवता जैसे पुरुष से माफी मांगिए आप। और जो यदि हम माफी ना मांगे तो आपकी कभी शक्ल नहीं देखेंगे, ये हमारा वचन है आपसे। आप हमें छोड़कर चिकित्सक ध्रुव को चुन रही हैं? हमारे ध्रुव का अपमान करने का अधिकार ना हमने भगवान को दिया है ना आपको। अभी इसी क्षण माफी मांगिए। माफी मांगिए। कर दो हमें, हमारे भाई जी के साथ साथ हम भी दोषी है तुम्हारे तो, इसलिए आज कान्हा जी के सामने क्षमा याचना कर रही है उसे, माफ कर देना। तारा बेहतर, तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्यों क्षमा मांग रही हो? क्योंकि है ध्रुव, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो अनुचित अनिष्ट बुरा जो कुछ हुआ है, उसके कारण हम ही लाए थे तुम्हें 21वीं सदी से अपनी सदी अपने भाई जी का उपचार करने, और आज उन्हीं भाई जी ने अब शब्द कहे तुम्हें, तुम्हारा अपमान किया। कितना कुछ चाहे तुम हमारे घर चले जाओ, यहां से हमारे साथ रहे तुम, इसलिए मेरा कारण बन जाए तुम्हारी मृत्यु का जो नहीं सह पाएंगे आप। तारा तुम्हारे साथ रहा
शायद मर जाऊंगा, पर तुम्हारे बगैर रहना तो पक्का मर जाऊंगा मैं तारा। मुझे पता है बहुत बहुत मुश्किल घड़ी है, पर देखो ना तारा, जो जो हो रहा है ना वो किस्मत में लिखा हुआ है, और मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत, तरीका, बात भी मैंने तुमसे सीखा था, प्यार करना मैंने तुमसे सीखा है, रिश्ते निभाने मैंने तुमसे सीखे हैं, जीना मैंने तुमसे सीखा है, जिंदगी को कैसे जीते हैं मुझे मुझे तुमने सिखाया है। तारा, अगर तुमने मुझे भक्ति की शक्ति समझाई नहीं होती ना, मैं कब का टूट चुका होता। हमारा प्यार सफल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे प्यार को गाला जी का आशीर्वाद मिला है। और उसकी निशानी है हमारा बेटा शौर्य। हमारा बेटा शौर्य, हमारी जिंदगी एक दूसरे के बिना नहीं है तारा, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पास है। तुम हो, मैं हूं, एक दूसरे के साथ हम है, हम में तो सब है तारा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.